साधारण सी ड्राइंग शीट पर तैयार किए गए इस चित्र को राम शब्द से बनाया गया है। इस चित्र को बनाकर सबको मंत्रमुग्ध किया गया है। ऊना के जाने माने सूक्ष्म लेखक राम कुमार जोशी ने, जो अभी तक करीब 350 सूक्ष्म लेखन कलाकृतियां बना चुके हैं और लगातार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इस सूक्ष्म लेखन के बारे में राजकुमार जोशी ने बताया कि जिस दिन भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से संबंधित मामले का न्यायालय में फैसला हुआ, उसी दिन उन्होंने इस कलाकृति को बनाने का फैसला लिया था। जैसे ही मुझे कोर्ट के फैसले का पता चला कि उसके बाद अब राम मंदिर बनना है, तो मेरी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ी कि मुझे भी राम मंदिर का चित्र बनाना चाहिए उसमें सूक्ष्म लेखन शैली के द्वारा, और उसमें अपनी जो मेरी कलाकृतियां हैं उनमें एक और इसको जोड़ा जाए। सूक्ष्म लेखन जो मेरी कलाकृति है उसमें राम शब्द का प्रयोग किया गया है। उसमें जो ये ड्राइंग शीट है, ड्राइंग शीट के ऊपरी ये कलाकृति बनाई गई है, उसमें 9931 राम वर्ड्स राम शब्द हैं। और उसमें आप अगर भवन देखेंगे, वृक्ष देखेंगे और झंडा देखेंगे, या तीर कमान या बाण है जो जिसको कहते हैं हम तीर, उसमें सभी में राम शब्द ही यूज किया गया है। काबिले गौर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में इन्हीं सूक्ष्म लेखक राम कुमार जोशी का विशेष रूप से जिक्र कर चुके हैं। राम कुमार जोशी का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा विशेष रूप से उनका उल्लेख करने के बाद उनका उत्साह और भी बढ़ा है। राम कुमार जोशी ने बताया कि इस कलाकृति को वो अपनी तमाम कलाकृतियों के खजाने में रखेंगे और अगर उन्हें भविष्य में प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला तो उन्हें जरूर ये भेंट की जाएगी। सूर्य समाचार के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।